ये आपका पोटेंट टावर किरण में ये पांच कॉन्टेक्टर होता है, एक दो तीन चार पांच। यदि ये पांच ऑन हो रहा है तो आपका सर्किट ऑन जो होता है वो सही है। यानी ये पांच में अब किसका क्या रोल है, ये 400A ये रिले का काम करता है, ये आपका 100A रिले का काम करता है, ये 100M ये मेन कॉन्टेक्टर है जो आप नीचे से सप्लाई डालते हैं ना थ्री फेस RYB, ये थ्री फेस ऑन होता है। ये होस्टिंग के लिए आता है, के 401A होस्टिंग का है ये रिले। यदि ये ऑन नहीं रहा तो आपका होस्टिंग कोई फंक्शन नहीं चलेगा, ये कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए। और ये ट्रॉली का है, ये ट्रॉली का है, ये भी ऑन होना चाहिए और ये भी ऑन होना चाहिए। यदि ये ऑन नहीं हो रहा है, पांच कॉन्टेक्टर देख लो ऑन है तो पैनल ओके है। अब दिक्कत क्या आ रहा है वो चेक करना रहता है। आपका जो A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A2 A sorry A1 होना है, A1 ये जो होता है कॉइल वोल्टेज होता है। इसके ऊपर आप देखिएगा जो है अलग अलग सर्किट रहता है, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर छह नंबर, ये मेन हो गया ठीक है। इसके ऊपर फिर रहेगा NO NC NO NC, सेम ऐसा ही रहता है किसी में भी आपका। ये भी एक दो तीन चार पांच छह इस टाइप का है, सब में NO NC सब में रहेगा, NO NC NO NC NC सेम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 6 जो भी है ये आपका मेन लाइन होता है ठीक है। लेकिन मेन जो है आपका हाई वोल्टेज करंट जो आता है उसका तार का कलर कोड अलग होता है, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी आपको ये समझना है A1 A2 क्या है। ये A1 A2 जो भी है कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए होता है, NC। अभी ये कॉन्टेक्टर जो आपको हम बता रहे थे ना ऑन करने के लिए, जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये ऑन हो जाएगा साथ में। यदि ये ऑन नहीं हो रहा ये ऑन नहीं होगा। और इसके साथ ही जब आपने हॉर्न दबाते हैं पुश बटन दबाते हैं तो ये सबसे पहले यही कॉन्टेक्टर ऑन होता है, इसके साथ साथ ये सारा कॉन्टेक्टर ऑन होता है। यदि ये आपका पांच कॉन्टेक्टर ये टावर किरण पोटेंट MC85A ये 5 टन की बात कर रहा हूं, दूसरे मशीन का दूसरा कॉन्टेक्टर नेम नंबर अलग रहेगा, ये जो नंबर हमने लिखा ये नंबर अलग रहेगा ठीक है, ये नंबर अलग रहेगा। बाकी सेम प्रोसीजर सब में रहेगा, किसी में 4 ऑन होता है, किसी में 5 ऑन होता है, किसी में 2 ऑन होता है, लेकिन सब में ऑन होगा। आपको ये 5 कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए, यदि 5 कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है तो टावर किरण आपका चलेगा। यदि उसके बाद भी नहीं चल रहा है, कहीं सर्किट में प्रॉब्लम है, एक नंबर होस्टिंग हो रहा है 2 नंबर नहीं हो रहा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे वो कैसे चेक करना है, किसको सप्लाई कहां से आता है, वो भी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।